अलग हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ हिस्सों में आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को बस में बिठाकर हिरासत में लेकर उन्हें लेकर जा रही है यहाँ मौके से दूर। और इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं यहीं पर, हमारी सहयोगी मनुज्ञा लोहवाल इस समय मौजूद है, जरा जानते हैं मनुज्ञा से ये संतरागाछी इलाके में इस समय किस तरीके की तस्वीर बनी हुई है। मनुज्ञा, हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर रही है, हिरासत में भी लिया जा रहा है, गाड़ियों में बिठाकर पुलिस की उनको दूर खदेड़ा जा रहा है। खदेड़ा जा रहा है और अभी रास्ते खाली किए जा रहे हैं। यहाँ पर आसपास के सामने के इलाकों में जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे, त्रिपाठी जो कि कमिश्नर हैं हावड़ा के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना सेंसिटिव हो रखा है ये, यही इलाका है जहाँ पर इतनी सारी मनबार हटाया जा चुका है, लेकिन ये फिर भी यहीं पर डटी हुई है, यहीं पर खड़ी हुई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये लोग यहाँ पर लगातार हाथ उठाकर प्रदर्शन करते हुए, जहाँ एक और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पीछे बैठ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक यहाँ पर पुलिस रहेगी, हम यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पर इस समय पुलिस, ये देखिए आपको जैसी मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, अब उतर कर वापस वहाँ पर गलियों में खदेड़ा जा रहा है जितने भी लोग हैं। ये अब पुलिस उतरी, ये देखिए ये आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर उतर कर जाकर ठीक वहाँ गलियों में जितने भी लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, लाठियाँ भाजी जा रही हैं एक के बाद एक। ये तैनाती हटाने के लिए लोगों को यहाँ पर जितने भी तैनात हैं, ये प्रवीण त्रिपाठी कमिश्नर हैं हावड़ा के, और हटाया जा रहा है, लाठी चार्ज की जा रही है, पहले समझाया जा रहा है, हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए आपको मैं, एक के बाद एक लाठी चार्ज मार के हटाया जा रहा है, महिलाएं क्या पुरुष एक के बाद एक। इस समय पुलिस अब पूरी तरह से टीयर गैस शेल्स वहां पर छोड़ रही है और हटा रही है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनका कहना ये देखिए आपको मैं तस्वीरें, ये हावड़ा की गलियां हैं, ये संतरागाछी है, यहाँ से कुछ ही दूर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्रीय सचिवालय, यहाँ के राज्य का सचिवालय है नवान्नो, और वहीं पर इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, गलियों में जाकर लोगों को खदेड़ा जा रहा है। आपको सन्नाटे में भी कितनी तेज गूंज है इस प्रदर्शन की ये समझ में आएगा। यहाँ पर एक और जहाँ पर ये लोगों को हटाया जा रहा है, दुकानें हटाई जा रही हैं, दुकानें लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर अब यहाँ पर दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया जा रहा है, पुलिस ताबड़तोड़ लाठियां चला रही है, लाठियां भाज रही है। ये जहां तक नजर जाएगी आपकी, जितने लोग यहां पर खड़े थे सब प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, यहां पर लोग सड़क पर बैठ गए हैं, ये नेशनल हाईवे है, महिलाएं जा रही हैं आ रही हैं, पुलिस के साथ इस समय हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे हैं जितने भी यहाँ के प्रोटेस्टर्स हैं, पुलिस एक के बाद एक पहले हटा रही है, पुलिस लाठी मार रही है और उसके बाद फिर हट रहे हैं, फिर सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी भी प्रदर्शन शांत होता नजर आ रहा है। एक साथ यहाँ पर सब महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, एक ही डिमांड, एक ही मांग की जा रही है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और देखिए किस तरीके से कोलकाता पुलिस इस समय एक्शन में नजर आ रही है, पूरा कोलकाता ऐसा लग रहा है जैसे किले में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस का एक्शन कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर छात्र आंदोलन के नाम पर सड़क पर उतरे हुए हैं उग्र प्रदर्शनकारी, इस समय न्याय की मांग करते हुए, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए। मैं जल्दी से आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं, हावड़ा ब्रिज इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा जानते हैं वरुण से, आप जहां पर मौजूद हैं वरुण, आप बता रहे थे कुछ देर पहले किस तरीके से अब प्रदर्शनकारी जो हैं वो हावड़ा ब्रिज से हटकर जो आसपास के इलाके हैं, तंग गलियां हैं, वहां पर उनको खदेड़ने की कोशिश में पुलिस नजर आ रही है, अभी की क्या तस्वीर है? देखिए बिल्कुल रुमाना, अगर सिग्नल आ रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश है, पुलिसकर्मी जो प्रदर्शनकारी है अब उनसे बातचीत कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अब अपने अपने घर चले जाएं। ये सिर्फ छात्र नहीं है, ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा नहीं है रुमाना, जो मैं देख पा रहा हूँ आसपास के इलाके के गलियों से मोहल्लों से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर निकल आए हैं, और इनको शुरुआत में स्ट्रेटजी बनाकर पहले आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों से पीछे खदेड़ा, उसके बाद भीड़ को तितर बितर करते हुए अलग अलग गलियों में पुलिस ने भगा दिया। और अब आप यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर जो अभी इकट्ठा है तो वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं, तो वही पुलिस अब कोशिश कर रही है कि प्यार से उन्हें समझाया जा सके। हालांकि आंसू गैस के गोले छोड़ने की पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर पुलिस है, लेकिन अब कोशिश यही है कि लोगों को धीरे धीरे पीछे खदेड़ा जाए। और देखिए यहाँ पर दबा एक दबिया
देखिए ये बांग्ला भाषा में नारेबाजी कर रहे हैं, तो आप देखिए किस तरीके से। आज उम्मीद तो यही थी कि बड़ी संख्या में छात्र पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ छात्रों का हुजूम नहीं है रुमाना, मैं अपनी आंखों से देखकर ये बिल्कुल कह सकता हूँ आसपास के पूरे इलाके के लोग जो थे गली गली घर घर से निकल आए, क्योंकि हर कोई इस बात की जिम्मेदारी समझता है कि बहन बेटियां छात्रों के इस आंदोलन में जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जाहिर सी बात है वो भी शामिल हो गए, क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ उसके बाद आक्रोश में न सिर्फ पूरा कोलकाता, पूरा देश है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के विरोध प्रदर्शन में जो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, कुछ असामाजिक तत्व भी तो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हाईजैक करने की फिराक में नजर आते हैं ना, और वो कोशिशें हमने देखी भी किस तरीके से कोलकाता में ही कुछ हिस्सों में पुलिस पर पथराव होता हुआ नजर आया है, जिसमें पुलिस कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस बीच एक बार फिर से जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा अरोड़ा इस समय मौजूद है, और जरा जानते हैं मनोज्ञा से ये संतरागाछी इलाके में अभी क्या स्थिति बनी हुई है। मनोज्ञा जी, आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं, देखिए फिर एक बार महिलाएं सब एक साथ एकत्रित हो गई हैं। यहाँ पर एक और आपको प्रवीण कुमार त्रिपाठी दिख जाएंगे जो हावड़ा के पुलिस कमिश्नर हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब महिलाओं की संख्या जो पुलिस की है वो बढ़ाई जा रही है। लाठी चार्ज दो बार हो चुका है यहाँ पर, अब तीसरी बार फिर से एक बार हटाने की यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को कवायद हो रही है। पुलिस कभी आगे जा रही है, कभी पीछे आ रही है, और उसके साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है समय समय पर। अब यहाँ पर महिलाओं को तैनात कर दिया गया है, ये महिला कमांडो फोर्स है यहाँ की जिसको तैनात कर दिया गया है भीड़ को हटाने के लिए, और साथ ही साथ इस समय आपको ये तीसरी बार यहाँ पर इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए और संग संग ठीक उसी तरह से जैसा कहा गया था कि अब सीधा लाठी चार्ज हो रहा है, भीड़ को पहले हटाने की कोशिश की जा रही है, भीड़ अगर नहीं हट रही है तो सीधे लाठियां भांजी जा रही हैं। हाथ पकड़कर पुलिस सब जितनी महिलाएं यहां पर हैं विरोध प्रदर्शन कर रही उनको हटा रही है, कि ये लाठियां भांजना बड़ा जरूरी है इस समय जिस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कई देर से चल रहा है। पुलिस का ये मानना है कि भीड़ को हटाना इस समय उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके साथ साथ लाठियां भी नहीं भांजनी है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है एक बार नहीं कई बार लाठी वो अपने आप में बता रहा है। बिल्कुल, देखिए रह रहकर लाठी चार्ज हो रहा है, रह रहकर स्थिति जो है वो उग्र हो जाती है, और फिर पुलिस जो है वो एक्शन में आती है। फिलहाल पुलिस जो है वहां पर भीड़ को समझाती बुझाती है, जहां मनोज्ञा लोहिवाल मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी यहां जो संतरागाछी इलाका है यहां पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ये कोलकाता का एक दूसरा इलाका जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर अभी प्रदर्शन उग्र हो गया था, जहां पर पथराव जोरदार तरीके से हुआ, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए उग्र प्रदर्शनकारियों ने, जिसमें एक पुलिस वाले घायल भी हो गए, उनके सर से खून बहता वह हमने देखा तस्वीरों में। और वहीं तीसरी तरफ एक्शन जो देखने के लिए मिल रहा है वो इस समय हावड़ा ब्रिज वाले इलाके में भी जबरदस्त एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं, जरा वरुण से जानते हैं, वरुण अभी क्या हालात है यहां हावड़ा ब्रिज वाले इलाके में। देखिए मैं यही अब आपको एक बड़ी दृश्यों से समझाना चाहूंगा, स्थिति यह है क्योंकि इलाके के जो लोग थे वो हजारों की संख्या में हावड़ा ब्रिज पर आकर इकट्ठा हो गए थे, वाटर कैनन आंसू गैस के गोलसों ने खदेड़ दिया। देखिए मैं एक चौराहे पर खड़ा हूँ, अगर आप इसके चारों कोनों पर देखेंगे, उधर देखेंगे तो उधर भी आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। अब वही जब कैमरे को मेरे कैमरामैन इधर सीधे हाथ की तरफ करेंगे तो जैसे आप देखिए वहाँ पर आपको गलियों के अंदर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहाँ नजर आएंगे। अब मैं अपने कैमरामैन को इस तरफ पैन करता हूँ तो उधर आप देखेंगे वहाँ पर आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आएंगे, यानी कि ये कुछ मुट्ठी भर छात्र नहीं थे, ये आसपास के इलाके के लोगों का गुस्सा था जिनको आप खदेड़ तो दिया है, अब कैसे एक एक आदमी को ये फोर्स उसके घर शांतिपूर्वक भेज दे, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है। पुलिस इन्हें अब खदेड़ती है, ये अपनी गलियों में घुस जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर वापस अपने उन्हीं झंडों और अपने गुस्से मांगों के साथ वापस सड़कों पर निकल आते हैं। तो स्थिति को काबू में करने के लिए, शांत माहौल बनाने के लिए अभी लंबी कवायद करनी पड़ेगी, जूझना पड़ेगा पुलिस को, क्योंकि ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा नहीं है, ये आम जनता का गुस्सा है, जो घर घर से देखे इधर देखे फिर भगदड़ मची, ये देखे यहाँ पर दौड़ा दिया गया है लोगों को, तो रह रह कर यहाँ पर लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस का डंडा बजता है, लोगों की भीड़ भागती है। तो ऐसे में अब इन प्रदर्शनकारियों को, इन लोगों को कब तक शांत किया जाए, कितना लंबा समय लगेगा, ये अपने आप में देखने की बात होगी, क्योंकि पूरा कोलकाता पूरा देश उबल रहा था और वही उबाल अब देखने को मिला कि हर आदमी हर बच्चा हर महिला हर बूढ़ा घर घर से निकल आया है, और इसीलिए संख्या सैकड़ों हजारों में पूरे कोलकाता के अंदर 85 जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस के लिए अब दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी
बिल्कुल यहाँ पर पुलिस के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो रह रहकर जुट रहे हैं। और अब तो जिस तरीके से वरुण बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोलकाता की हर गली से हर मोहल्ले से लोगों का हुजूम है जो बाहर निकल रहा है प्रदर्शन करने के लिए, और पुलिस के लिए बार बार चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ सड़क पूरी आपको गीली नजर आएगी, जिससे अंदाजा लग सकता है कि पुलिस यहाँ पर कितनी बार इस समय पानी की बौछार का इस्तेमाल कर चुकी है, कितनी बार यहाँ पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले डाले चुके हैं। लेकिन बावजूद उसके जरा लोगों का हुजूम देखिए, वो अभी भी यहाँ पर डटा हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को थकने का नाम नहीं ले रहा है, प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, और ऐसे में पुलिस की तरफ से बार बार उन्हें पीछे खदेड़ने की जो कोशिशें हैं अब वो नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं संतरागाछी इलाका, वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है बताएंगे हमें मनोज्ञा। ड्रोन से इस समय पुलिस कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, महिला पुलिस की तैनाती कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। और अगर आपको सूरज दा तस्वीरें दिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ इस समय यहां से आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी हटते नजर नहीं आ रहे हैं, पोस्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पीछे अभी तक जितने लोग बैठे थे वो वहीं बैठे हैं, और साथ ही साथ पुलिस की तैनाती आसपास के तो थोड़ी कम है लेकिन अब दूसरी तरफ बढ़ाई जा रही है। ये ध्यान में रखा जा रहा है कि पुलिस को एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से कई दिशाओं से इस समय प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस भी तैनात है लाठी चार्ज के लिए या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए। प्रदर्शनकारी लेकिन इस समय रुकते थमते नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर अभी तक बताया जा रहा था कि ये प्रदर्शन 1 बजे से शुरू होगा और थोड़ी देर चलेगा, लेकिन थोड़ी देर का इस समय बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस जहाँ एक और हटाने की कोशिश कर रही है तो वहीं भीड़ हटती तो है लेकिन रुकती नहीं है, उसके बाद फिर से आ जाती है और फिर एक बार महिलाएं बैठ गई हैं। ये महिलाएं यहाँ पर बैठ बैठ कर प्रदर्शन कर रही हैं, जो हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग यही है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं हटेंगी। देखिए एक और जहाँ पर पुलिस के खिलाफ स्लोगन्स हैं तो वहीं दूसरी ओर समर्थन में उस लेडी डॉक्टर के जिसने 9 अगस्त की रात को अपना क्रूरता के कारण दम तोड़ दिया, आज पुलिस के लिए भी ये एक और लिटमस टेस्ट हो जाता है। आंदोलन पश्चिम बंगाल की भूमि में रहा है लेकिन इस तरह का आंदोलन जहां पर जनता सड़कों पर उतरे बिना किसी झंडे तले और मांग करे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की और उसके बाद सड़कों पर डटी रहे, यही टिकी रहे और बार बार यही बार बार मांग करे कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए और मुख्यमंत्री के दफ्तर के पास पहुँचने की कोशिश की जाए, जिस तरह का वाद अपवाद अभी सुनने को मिल रहा है उसे शब्दों में क्या ही बयां करूँ। लेकिन पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन बहुत कम देखा गया है पश्चिम बंगाल में, खास तौर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में। लेकिन अब ये प्रदर्शन जो जनता का आक्रोश सड़कों पर उतरा है, महिलाओं को आप आक्रोश देखिए, महिलाओं का गुस्सा देखिए। और गौर करने वाली बात ये है, ये जो प्रदर्शन है इस पे कोई नेता नजर नहीं आ रहा है, कोई बड़ा चेहरा किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ वो यहाँ पर लीड करते हुए इस भीड़ को नजर नहीं आ रहा। यहाँ आम लोग हैं और छात्रों की तरफ से आह्वान इस प्रदर्शन का किया गया, लेकिन इस प्रदर्शन के अंदर हर उम्र के हर तबके के लोग नजर आ रहे हैं, साधारण गृहियां नजर आ रही हैं, बुजुर्ग नजर आ रहे हैं और सब में गुस्सा, सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सब में नाराजगी ममता सरकार को लेकर, और एक ही मांग कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे। ये छात्रों का प्रदर्शन जो इस समय कोलकाता की सड़कों पर एक जनता का प्रदर्शन बनता हुआ नजर आ रहा है मनोज्ञा लोहिया। बिल्कुल रुमाना, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता जब आपके इस खिलाफ खड़ी हो जाए, जनता जब आवाज उठाए तब बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं 14 अगस्त की भी अगर बात करूं तो 9 अगस्त की घटना के बाद जिस तरह से 4 दिन तक ये घटना चली, 14 अगस्त की रात को जब सैकड़ों की संख्या में आरजीकर अस्पताल के सामने लोग एकत्रित हुए और जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, उसके खिलाफ ये आक्रोश था। पहला आक्रोश 14 अगस्त को जिसको समझना शायद मुश्किल हो गया कोलकाता पुलिस और प्रशासन के लिए, और उसके बाद जब सड़कों पर जनता उतरी है तो अब यही सवाल कर रही है कि आखिरकार इस तरह की घटना कब तक और कौन है जो इसे छुपाने की या बचाने की कोशिश कर रहा है, और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहाँ एक और इधर प्रदर्शन हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पर दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा दूँ कि किस तरह से सड़कों पर इस समय पुलिस डटी हुई है, प्रदर्शनकारी ठीक उन्हीं के पीछे खड़े हुए हैं और ये एक तरफ नहीं दोनों तरफ सड़कें इसी तरह से रोक दी गई हैं। ये पूरे नेशनल हाईवे की तस्वीर है, ड्रोन से बार बार तस्वीरें उठाई जा रही हैं। पुलिस आगे बढ़ रही है और पुलिस आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक बार लाठियां बाजने की तैयारी कर रही है, पब्लिक नहीं हट रही है। और ये पब्लिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक आप जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में, अगर मैं सूरज दास से कहूँ तो आपको इस तरह की तस्वीर दिखाए,
किस तरह से अब आक्रोश बढ़ रहा है, जनता और पुलिस में भिड़ंत है, बहस है, और उसके साथ आक्रोशित जनता जो बार बार यही डिमांड कर रही है कि हमें आगे जाने दिया जाए, हमें रोका क्यों जा रहा है। हर तरह के चेहरे आपको दिख जाएंगे, हर वर्ग के चेहरे दिख जाएंगे, पुरुष महिला सब एक साथ एक समान यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहाँ एक ओर आक्रोशित है तो दूसरी ओर सड़क पर शांतिपूर्ण बैठ गए हैं। पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग जनता सड़कों पर उतर कर कर रही है तो इसकी जवाबदेही किसी की तो बनती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब ये मामला सीबीआई के हाथ में चला गया है, इसलिए सीबीआई इसके इन्वेस्टिगेशन की इंचार्ज है। लेकिन 14 तारीख तक जब प्रदर्शन हो रहे थे, जब 14 तारीख को हजारों की संख्या में लोग अर्जी करके सामने थे, तब तो ये मामला यहीं पर राज्य के प्रशासन के पास था, बंगाल के पास था, कोलकाता पुलिस के पास था, और उसके बाद जिम्मेदारी ममता बनर्जी की जवाबदेही ममता बनर्जी से ये बंगाल की जनता करती हुई नजर आ रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। छात्रों का ये प्रदर्शन, नवन्ना मार्च का ये आह्वान, जिसमें कोलकाता के आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हुए नजर। देखिए, कुछ स्थिति जरूर शांत होती नजर आ रही है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, अब ये छात्रों का प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता का प्रदर्शन है। क्योंकि मैंने इतने सालों में कई प्रोटेस्ट कवर किए हैं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या छात्रों ने प्रोटेस्ट किया होता तो वो आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे चलता, निपट जाता। लेकिन यहाँ पर गली गली घर घर से लोग निकले हैं और इस प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं। सबसे अहम बात, बेहद शांतिपूर्वक था, पुलिस लाठियाँ बजा रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उपद्रव नहीं मचाया कि जो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करते रहे, वी वांट जस्टिस की मांग करते रहे। तो इस चौराहे पर भी एक बार आप देखेंगे भीड़ लोगों की आपको चारों तरफ हर जगह नजर आएगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो तितर बितर करने में पुलिस कामयाब हो गई है। इस सड़क पर भी आगे काफ़ी दूर तक लोगों को अब हटा दिया गया है। पीछे देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स आपको जो नजर आएगी वो भी अब आगे बढ़ने लगी है, लेकिन सामने देखिए, फोकस करेंगे तो वहाँ पर भी आपको लोग नजर आएंगे। तो रह रह के अपने घरों से जो लोग हैं वो वापस निकल आते हैं, इसलिए लंबा समय लगेगा भीड़ को शांत करने में, क्योंकि ये कोई प्रोटेस्ट छात्रों का नहीं, अब ये कोलकाता की जनता का प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो जहाँ पर वरुण जैन मौजूद है वहाँ पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम कुछ कम होता हुआ वरुण देख रहे हैं, और जो स्थिति है वहाँ पर वरुण के पीछे भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से अब थोड़ी सी सामान्य होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी प्रदर्शनकारी जो हैं वो डटे हुए हैं, अभी भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच उग्र झड़प होती हुई आप देख रहे हैं किस तरीके से। इन तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही है। प्रदर्शनकारी नवन्ना मार्च पर अड़े हुए थे, प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से दौड़ा लिया। देखिए आप किस तरीके से बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से लगाई गई है, और उसी बैरिकेड को तोड़कर जब प्रदर्शनकारियों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो फिर पुलिस जो है उन प्रदर्शनकारियों को दौड़ाती हुई नजर आती है। कहीं पर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, और ये लीजिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए यहाँ पर कोलकाता पुलिस के ये जवान नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे कोलकाता पुलिस के जवान प्रदर्शनकारी को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। और जब मीडिया के कैमरे वहां पर पहुंचे तो जिसे जमीन से रगड़ कर कोलकाता पुलिस के लोग लेकर जा रहे थे उसको खड़ा किया और अब अपने पैरों पर चलाते हुए उसको लेकर जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से ये महिला प्रदर्शनकारी हैं, और इन महिला प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अलग अलग इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये जो आर पार है वो छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। कहीं हालात कुछ काबू में आते हुए सुरक्षाकर्मियों के नजर आ रही हैं, कहीं हालात बेकाबू होते हुए सुरक्षाकर्मियों के सामने नजर आ रही हैं, कहीं पर सुरक्षाकर्मी जो हैं वो हल्का लाठीचार्ज करते हुए भी इस भीड़ पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कोलकाता के कुछ इलाकों में अभी भी जबरदस्त तनाव, पुलिस देखिए किस तरीके से लाठियां भांजती हुई भी नजर आ रही है, और पूरे घेर में यहाँ पुलिस का डटे हुए हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव भी किया गया, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं एक बार फिर से संतरागाछी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो सड़क पर बैठी हैं। और ये देखिए तस्वीर, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं, और ये एक प्रदर्शनकारी जो घायल हुए हैं जिन्हें चोट लगी है, और वहाँ पर अन्य प्रदर्शनकारी जो हैं वो उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया का भी यहाँ पर बड़ा जमावड़ा है, जिस तरीके से प्रदर्शन रह रहकर उग्र हो रहा है इसकी चपेट में प्रदर्शनकारी भी आते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आए हैं। और ये एक महिला है, इनको देखकर अंदाजा हो रहा है महिला है जो जख्मी हुई है, सड़क पर ही लेट गई है। अब ये क्या जख्मी हुई है या फिर
कोई और वजह, इनकी तबीयत बिगड़ी है आंसू गैस की गोली की वजह से, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ये महिला सड़क पर ही लेट गई, बैठने की स्थिति में भी नहीं है, इतनी ज्यादा इनकी तबीयत फिलहाल बिगड़ी है। और मौके पर अन्य प्रदर्शनकारी उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये छात्रों का प्रदर्शन है जिसमें कोलकाता के आम लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए प्रदर्शन सिर्फ अब छात्रों का बचा नहीं, एक तरीके से ये जन आक्रोश है जो ममता सरकार के खिलाफ देखने के लिए मिल रहा है। देखिए किस तरीके से अधेड़ उम्र की ये महिला छात्रों के इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आई और यहाँ सड़क पर चकरा गई, सड़क पर ही लेट गई। पुलिसकर्मी उनको सहारा देकर इस समय बिठाए हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के माइक वहां पर लगे हुए हैं लेकिन संभवतः वो बंगाली भाषा में ही अपनी बात रख रही होंगी, इसीलिए हम आपको वो नहीं सुनवा पा रहे फिलहाल। लेकिन आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, मनोज्ञ के पास अब चलते हैं, जरा जानते हैं मनोज्ञ से क्या हालात है। मनोज्ञ यूट्यूबर है क्या सर? देखिए यहाँ पर धीरे धीरे टीयर गैस शेल्स छोड़े जा रहे हैं बड़े ही और धीरे ढंग से कि आपको यहाँ पर खड़े रहने की दिक्कत हो जाएगी, आंखों में जलन होने लगी है यहाँ पर। और पुलिस की तरफ से ये बार बार कवायद की जा रही ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिए। मनोज्ञ मैं समझ सकती हूँ वहाँ पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो फिर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है वहाँ पर बोलना कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए बन रहा होगा। हम तस्वीरों में आपको देख पा रहे हैं, आप किस दिक्कत में हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। वरुण जैन से भी हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। जहाँ पर मनोज्ञ लोहिवाल मौजूद हैं वहीं पर पुलिस का एक्शन, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ग्राउंड पर जो रिपोर्टर मौजूद है वो कितने मुश्किल हालात में ये रिपोर्ट आपके लिए जुटाते हैं, आप तक जो चल रहा है ग्राउंड पर उसकी सच्चाई समेट कर लेकर आते हैं। एबीपी न्यूज के हमारे ये सहयोगी बड़ी हिम्मत से अपना काम सड़क पर उतरकर निभाते हुए इस समय कोलकाता में नजर आ रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन के बीच। और एक बार फिर से जरा बात करने की अब कोशिश करते हैं मनोज्ञ से। मनोज्ञ देखिए मिर्ची पाउडर और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर, हम जहाँ अभी खड़े थे उधर पर, और इतनी जलन होने लग गई है कि आपको ये सबको मुंह ढककर चलना पड़ रहा है। इतनी तेज जलन होने लग गई है कि आप बोल नहीं पाएंगे। देखिए सबके मुंह ढकने लग गए हैं क्योंकि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े थे अभी पिछले कुछ मिनट पहले वहाँ पर, और लगातार अब इससे मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि बोलना बंद करना, और जैसे जैसे पुलिस अभी भीड़ को आगे बढ़ा रही है वैसे वैसे धीरे धीरे इसी तरह से या फिर आंसू गैस के गोले पूरी तरह से आपको इस तरह से आपकी आंखों में जलन होने लगेगी, आप देख नहीं पाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर आंसू गैस के गोले जिस तरह से छोड़े जा रहे हैं एकदम से भीड़ को हटाने के लिए यहाँ पर और कोई कवायद बचती नहीं है। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये यहाँ से हटते नजर आ नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं और कभी नहीं काफी देर से बैठे हुए हैं, और ये यही सारे प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर जितनी देर से बैठे हुए हैं। वहाँ पर जितने बैठे हुए थे वहाँ पर पहले मिर्ची डाली गई और ये क्या कहते हैं आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके साथ पाउडर भी, क्या सबको यहाँ पर अधिकतर जितने नाक बंद करके बैठे हैं, क्या हो गया, क्या गैस डाला, मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ वो आँख से पानी निकल रहा है इसीलिए बहुत लोग पानी से आँख धो रहा है, सब पानी से आँख धो रहे हैं। ये देखिए आपको ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर सब अब मुंह धोने लग गई हैं सिर्फ इसीलिए मिर्ची लगी आपको भी चोक प्रचंड जला जला कुछ हार हो निश्वास नीते कष्ट हो सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि पुलिस की ये हटाने की यहाँ पर ये सारी एक के बाद एक अब यहाँ से जिस तरह से भीड़ घटाने के लिए यहाँ पर जब पुलिस जब आप यहाँ से धीरे से हट रही है तो वहीं पर आंसू गैस के गोले छोड़कर यहाँ पर इस तरह से पाउडर यहाँ पर यूज करके निकल जा रही है आगे, भीड़ को हटाने की ये कोशिश की जा रही है। ये भीड़ यहाँ से हटती नजर आ नहीं रही है और दोनों तरफ सड़कों के आप देखिए लोग कैसे मुंह ढक रहे हैं, कैसे अपने हंस रहे हैं और उसके साथ साथ वहां से हटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे खिसक रहे हैं वैसे वैसे धुआं बढ़ रहा है, धुआं बढ़ाया जा रहा है और लोगों को हटाया जा रहा है। जनता इस समय बार बार लाठी चार्ज करने के बाद भी नहीं मान रही है, एक और सड़क के उस तरफ यहाँ पर पब्लिक जितनी खड़ी हुई है उतने ही प्रदर्शनकारी यहाँ पर इस समय इस तरफ खड़े हुए हैं और ये हटते हुए यहाँ पर दोनों तरफ नेशनल हाईवे के रास्ता पूरी तरह से रोक कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक ही मांग की जा रही है, ममता बनर्जी के पद त्याग की मांग की जा रही है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ
छात्रागाछी इलाके से शुरू होकर यहाँ तक आपको जितनी देर लगेगी उतनी ही देर में पुलिस ने इस पूरे इलाके को तो खाली कराया है। पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है, पीछे से यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी है, जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी है, वो सब एकत्रित होते चले जा रहे हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ जहाँ मनोज्ञा जरा ये बताइए, ये प्रदर्शनकारी जो पीछे की तरफ से आ रहे हैं और जिस तरफ आप खड़ी हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये जो मांग कर रहे हैं, इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे तो नबन्ना है? और यहीं पर पुलिस ने अब इन प्रदर्शनकारियों को रोका हुआ है और साथ ही इस सड़क पर आगे क्या बैरिकेड्स वगैरह भी आगे इसी सड़क पर लगाए गए हैं मनोज्ञा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर सूरज दास से कहूँ आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर मैं जहाँ खड़ी हूँ इसके ठीक दाएं तरफ नवान्नो है। यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर आप जैसे ही जाएंगे आपको नवान्नो दिख जाएगा और नवान्नो के साथ साथ यहाँ से बाई तरफ आपको पूरा बंगाल, उत्तर बंगाल मिल जाएगा। एक और नवान्नो है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहीं से आपको मुख्यमंत्री का दफ्तर मिल जाएगा 14th फ्लोर पर। ये आवाज, ये गूंज, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है इसी तरह से आंदोलन करके। और मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊँ, यही वो हाईवे है जहां से सीधे जाके सिंगूर आता है, यही वो हाईवे है जहां से सीधे जाके हुगली आता है, हुगली का सिंगूर, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दशक पहले सबसे बड़े आंदोलन को अंधा अंजाम दिया था और उसके बाद सत्ता के रास्ते पर जब आगे बढ़ी थी तो ठीक इसी में यहां पर नवान्नो में आकर रुका था उनका पूरा कारवां और काफिला, लेकिन लेफ्ट को उखाड़ फेंका था। और इसी जन आंदोलन के जरिए आज जब ये ठीक है मनोज्ञा हो रहा है तो अंतर ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और विरोध प्रदर्शन जनता कर रही है। बिल्कुल, इसे विरोधाभासी कहा जाएगा कि कहां तो जनता की आवाज के तौर पर खुद ममता बनर्जी सड़क पर संघर्ष करती हुई 2 दशक पहले और उसी के जरिए सत्ता में पहुंचती हुई बंगाल की, और आज जब यहां जन आक्रोश है कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या के मामले में, और देखिए किस तरीके से जनता जो है वो कोलकाता की सड़कों पर उतरी हुई है, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो उसी जन प्रदर्शन को यहाँ पर रोकने की तैयारी में ममता की पुलिस डटी हुई नजर आती है। मैं जरा जल्दी से अब आपको लेकर चलती हूं, हमारे सहयोगी वरुण जैन भी इस समय हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं वरुण से ये हावड़ा ब्रिज वाले इलाके में अब क्या हालात बने हुए हैं वरुण, क्योंकि जहां पर ममता मौजूद है वहां पर प्रदर्शनकारी उसी हाईवे पर बैठ गए हैं, डटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्थिति जरूर कुछ नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने पहले देखा था प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके से बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, करीब 1 घंटे तक ये संघर्ष जो था वो चलता रहा था। और अब देखिए स्टैंड रोड पर हावड़ा ब्रिज से मैं 100 मीटर आगे आया हूँ, क्योंकि इसी स्टैंड रोड पर ही उस समय जनता इकट्ठा हुई थी जब उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें छोड़ी थी। और अगर अभी आप इसको जरा फोकस करके आगे की तरफ देखेंगे भीड़ जरूर आपको नजर आएगी, लेकिन अब वो स्कैटर्ड है, तितर बितर हो चुकी है, तो कुछ लोग अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ नॉर्मलसी जो है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। और आपके लेकिन अभी भी आम लोग भी नजर आ रहे हैं वरुण, कुछ आम लोग भी हैं जो कुछ हैरान से परेशान से नजर आ रहे हैं, जो इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं और उनकी आंखों में बहुत कुछ कहने के लिए, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। प्रदर्शन हुआ, जमकर लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं आप लोगों पर? हाँ, छोड़ा गया है। अभी भी प्रदर्शन जारी रहेगा क्या? क्या मांग है आप लोगों की? नहीं, प्रदर्शन अब नहीं होगा। शांत है, लोगों का गुस्सा कुछ कम हुआ है? गुस्सा तो कम नहीं हुआ अभी। गुस्सा कम नहीं हुआ है? आप सब लोग अभी भी यहाँ पर भीड़ में जुटे हुए, जा नहीं रहे हैं वापस? नहीं, जा तो नहीं रहा है, लेकिन जाने नहीं दे रहा है, तो पुलिस तो पूरा बैरिकेड दे के जॉल कमांड चला रहा है, तो कैसे जा रहा है आदमी लोग? पूरा कलकत्ता में जितना क्रॉसिंग है सब जगह पूरा गार्ड किया हुआ है, तो आदमी कैसे आएगा? हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया, लाइफ लाइन को, और उसके बाद आंसू गैस छोड़े, पानी की बौछारें जमकर। सर अभी जो है ना पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है जाने में, देखिए ये लोग जाएगी सियालदा, इसको परेशानी हो रहा है, देखिए कैसे जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो पब्लिक को हो रहा है ना सर, तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। We want justice. सबको देख करके देखना पड़ेगा, एक के चलती में अगर 20 और मर जाए तो उसको दिक्कत होगा ना सर, एक के चलती में अगर 20 और कोई चीज घटना में मर जाए तो सर उसमें दिक्कत होगा। देखिए दिक्कत होगी, लेकिन बेटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अम्मा कब से फंसी हुई है इस भीड़ के अंदर? भीड़ के अंदर कब से फंसी हुई है? कितना देर? हिंदी थोड़ी नहीं आती है इनको, बांग्ला जानती है। देखिए आप, अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलूं रुमाना, तो आपको लोग जरूर नजर आएंगे। अब
जाने लगे हैं, आप लोग सर वापस जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भीड़ अभी भी है, चारों तरफ आपको लोगों का हुजूम नजर आता रहेगा अगर आप कैमरे की नजर से देखें। और हावड़ा ब्रिज की तरफ अभी भी रास्ता ब्लॉक है, फोर्स लगी हुई है, कई कंपनी फोर्स लगी हुई है। यही वजह है कि अब लोग यहीं पर ही अपनी अपनी जगह पर रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अब एक बार फिर से, क्योंकि हम इस जगह पर आगे बढ़े थे। आप बताएं, बहुत दिक्कत हुई सर, ये तो अपने को रहना ही है सर, चलना ही है। 11 नंबर का बस जिंदाबाद, 11 नंबर का बस जिंदाबाद, 11 नंबर का बस जिंदाबाद। यानी कि पैदल ही अब ये जाएंगे जहां पर जाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद है, सड़कें बंद कर दी गई है। हावड़ा ब्रिज जो कि लाइफ लाइन है वो पूरी तरीके से बंद है। तो आप देखिए आसपास का इलाका, लोगों की भीड़ जरूर नजर आएगी। हाँ, ये प्रदर्शनकारी थे, कोई उपद्रवी नहीं थे, यही वजह है कि शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के आगे रखते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, लाठी झेलते रहे, आंसू गैस के गोले छेड़ते झेलते रहे, पानी की बौछारें झेलते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। हाथों में झंडे थे और एक ही मांग थी कि बेटी को इंसाफ मिले। सरकार की लापरवाही है, ममता बनर्जी इस्तीफा दे, तो कुछ स्थिति जरूर नियंत्रण में। ये अभी भी डटे हैं, नबन्ना मार्च जारी है और देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी आगे की तरफ कुछ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार से लेकर आंसू गैस के गोले से लेकर लाठियां तक सब कुछ बरसा चुकी है। और लीजिए, ये एक और प्रदर्शनकारियों का जत्था वी वांट जस्टिस के नारे के साथ, बड़े बैनर पोस्टर के साथ आगे बढ़ता हुआ। इसमें देखिए किस तरीके से छात्र नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आम जो लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और इसी बात का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि ये छात्रों का प्रदर्शन और इसमें हर उम्र के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए, क्योंकि एक तरीके से अब ये कोलकाता की सड़कों पर एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मनुज्ञा लोहवाल इस समय मौजूद हैं। मनुज्ञा, तस्वीरों में हम देख रहे हैं ये दरिंदगी के खिलाफ जो एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि अब प्रदर्शनकारियों का एक नया जत्था है जो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नबन्ना मार्च जारी। देखिए, ये वही हाईवे है जहाँ एक ओर सिंगूर जाता है और यही ममता बनर्जी को सत्ता में लेकर आया है, और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय नवाना में सत्ता पर विराजमान है। लेकिन ये बात है 2011 की और दो दशक पहले जब इसी हाईवे से गुजरते हुए विरोध प्रदर्शन हुए थे, उन्हें आंदोलन को हटा दिया गया था। आज ये जनता का आंदोलन है, आंदोलन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कई सारे आंदोलन में बड़ी बड़ी भूमिकाएं रही है। आज यहाँ पर दावा है, दावी है, जिस तरह से अत्याचार हुआ है डॉक्टर बिटिया के साथ और उसके बाद इंसाफ मांगते हुए, वहीं पर आज एक के बाद एक लोग इकट्ठा हो रहे हैं चारों ओर। पुलिस इस समय रुकी हुई है, थमी हुई है, पर ऐसा नहीं है कि ये थमती नजर आ रही है या फिर बहुत देर तक रुकती नजर आएंगी। जनता का आक्रोश रह रहकर उभर रहा है और उसके साथ जनता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर बैठ रहे हैं लोग, अभी तक यहाँ से हट रहे हैं, फिर से एक बार उठकर यहाँ से प्रदर्शन करना शुरू हो गया है। पुलिस यहाँ एक और ये देखिए, ये लोग आ रहे, उठा के ले जा रही है पुलिस अब इनको, फिर एक बार गिरफ्तारी का दौर और लाठीचार्ज का दौर शुरू हो रहा है, जहाँ लोग आ रहे हैं एक के बाद एक एकत्रित करके उनको यहाँ से पुलिस हटा के लेके जा रही है। उधर थोड़ी देर पहले पीछे की आपको जो तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ पर महिलाएं थी, हाथ में टीयर गैस है, सभी के टीयर स्मोक म्यूनिशन है, एक्सप्लोजिव लगे हुए, आपको क्लास 3 म्यूनिशन है, ये इसलिए लटके जाते हैं म्यूनिशन जिससे कि जब जरूरत पड़े तब आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को डिस्पर्स कर दिया जाए। कहीं पुलिस बैठ जाती है, कहीं पर जनता बैठ जाती है, लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, सड़कों पर उतर रही है महिलाएं तालियां बजा कर विरोध प्रदर्शन, और ये काले पोस्टर सब बहुत कुछ बयां कर रहे हैं बंगाल की राजनीति में। आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, जहाँ एक के बाद एक सड़कों पर खड़े हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हावड़ा पुलिस जहाँ एक और तैनात है, बंगाल पुलिस तैनात है, पूरे हाईवे को रोक दिया गया है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लोग आपके पैदल हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को जब भीड़ इतनी ज्यादा संख्या में हो। पुलिस अभी तक बैठी हुई थी क्योंकि यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही चल रहे थे, कुछ लोगों ने आकर फिर से स्लोगनरिंग शुरू की और फिर एक बार आक्रोशित जनता फिर एक बार बातचीत करना शुरू की और यहाँ पर पीछे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। अब ये मार्च शुरू करने वाले हैं ये लोग, देखिए मैं आपको जैसे जैसे तस्वीरें दिखा रही हूँ,
भीड़ एक बार फिर से उठ रही है, भीड़ एक बार फिर से खड़ी हो रही है। लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, पर पुलिस भी अपनी तरफ से तैयार है। पुलिस भी गलियों में यहाँ पर आसपास की सांतरागाछी की गलियों में वो देखिए आपको जहाँ पर नजर जाएगी वहाँ पर महिलाएं नजर आएंगी। महिलाएं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, महिलाओं को भी हटाने का प्रयास किया गया है। जहाँ पर अभी यहाँ पर तैनात की गई पुलिस को पहले उधर हटाया गया, उसके बाद सिर्फ एक के बाद एक हटाने की कोशिश की जा रही है। लोग आ रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक तैनाती लोगों की, पुलिस की, कर्मियों की। किसी की तबीयत अगर बिगड़ रही है तो उसे भी हटाया जा रहा है, और जो ज्यादा प्रदर्शन करता दिख रहा है उसे भी लोगों ने दिक्कत में हटाया गया। लेकिन यहाँ पर ये देखिए महिलाएं अभी तक खड़ी हुई हैं, हटने को तैयार नहीं है यहाँ से। ये मैं आपको ये तीसरी बार इनकी तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये गुट ऐसा है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है, कोने में किनारे में जितनी बार लाठियां भाजी गई है उतनी बार साइड में जाकर बैठ जाती है, लेकिन फिर एक बार आ जाती है प्रदर्शन करने के लिए। महिलाओं का इस तरह से सड़कों पर उतरना, विरोध का आभास करा देना, जरा सा आपको रोकूंगी मनोज्ञा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। इस बीच कोलकाता से सीधी तस्वीर इस समय मिल रही है कि पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब एक एक कर ये प्रदर्शनकारी इन्हें अपनी हिरासत में लेती हुई पुलिस नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेकर आगे बढ़ती हुई, सारी उसकी शर्ट के बटन टूटे हुए उसको आगे लेकर जाती हुई कोलकाता पुलिस को आप देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यही इस बाजार वाले इलाके में ही जोरदार झड़प प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच चल रही थी, और इस समय की तस्वीरें एक बार फिर से देखें कैसे पुलिस जो है अब भीड़ जो यहाँ पर जमा हो गई थी उसको खदेड़ती हुई नजर आ रही है। इसमें बहुत से प्रदर्शनकारी हैं, बहुत से इसमें ऐसे लोग भी हैं जो तमाशबीन के तौर पर यहाँ पर खड़े हुए थे, उन्हें भी पुलिस की तरफ से खदेड़ा जा रहा है। बहुत से आम लोग और बहुत से प्रदर्शनकारी और सभी को पुलिस यहां पर खदेड़ते हुए अब नजर आ रही है। इन इलाकों में जो मुख्य हावड़ा ब्रिज वाला इलाका था वहां से पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारी को खदेड़ दिया है। अब ये कोलकाता की अन्य जो सड़कें हैं, जो बाजार वाले इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी भीतर घुसे हुए थे अब उन्हीं को चुन चुन कर पुलिस की तरफ से खदेड़ने का काम चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, छात्रों का आज नबन्ना मार्च, और इसे रोकने के लिए कैसे पानी की बौछार से लेकर आंसू गैस की गोली और पुलिस का लाठीचार्ज सब आपने आज देखा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद हैं, और जहाँ पर वरुण मौजूद है वहाँ पर अभी क्या हो रहा है? इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कैसे पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बिठा रही है, यहाँ से हटाया जा रहा है। वरुण आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर इस समय का एक्शन क्या है? एमजी रोड पर मौजूद हूँ, बिल्कुल हावड़ा ब्रिज के पास। आप देखिए इस चौराहे पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और अब कैमरामैन दिखाएंगे आपको सामने। इस चौराहे से अगर आप चारों तरफ देखेंगे आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आएंगे, जो आगे देखिए बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा और नजदीक जाऊंगा, आप देखिए ऐसा नहीं है जैसा आपने कहा, बिल्कुल वही देखने को मिला। जगह जगह गुस्सा प्रदर्शनकारियों का अभी भी नजर आ रहा है। हावड़ा ब्रिज के नज़दीक जो प्रदर्शनकारी थे, जब उन्हें हटाया तो कुछ स्टैंड रोड की तरफ भागे जहां थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ, लेकिन कुछ इस एमजी रोड पर है। और आप देखिए हाथों में झंडे लेकर पुलिस की बैरिकेडिंग को बिल्कुल निस्तनाबूत कर दिया है। झंडे लेकर वी वांट जस्टिस के नारे अब लग रहे हैं एमजी रोड पर, एमजी रोड के चौराहे पर चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेड यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, और इसी बैरिकेड के ऊपर अब प्रदर्शनकारी खड़े होकर वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, हाथों में झंडे हैं। ये आम जनता है, ये कोलकाता के लोग हैं जो अब इस प्रदर्शन के अंदर शामिल है। ये सिर्फ छात्र नहीं है, ये अब एक आंदोलन है, एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक आंदोलन है। हाथों में झंडे हैं, क्या चाहते? उसको फांसी चाहिए, फांसी होगा चाहिए। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, गलत नहीं, इसको फांसी चाहिए, उसको फांसी चाहिए। घर में इसका माँ बहन को, दूसरा माँ बहन को कर दिया है, फांसी चाहिए। इस मांग के साथ आप देखिए आप लोग जस्टिस सरकार के आदेश पे काम, पुलिस सरकार का काम कर रहा है। मोहम्मद अगर पांच अड्डा आदमी है, मोहम्मद भी है यहाँ पर, क्या चाहती है? खुले पुलिस के।
हम लोग से मदद चाहिए, इंसाफ चाहिए। और इसी बेटी के इंसाफ के लिए लगातार मेरे कैमरामैन ये विजुअल दिखाते रहे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, गली गली के अंदर पुलिस ने इंतजाम किए थे कि अगर प्रदर्शनकारी गलियों में जाए तो उनको कैसे। अब देखिए देखिए बैरिकेड लेकर भाग रहे हैं, जो भीड़ है वह पुलिस की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर स्थिति कुछ आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं, हम एक बार पुलिस की तरफ भागेंगे। आप देखिए जल्दी, कैमरा मैन से कहूंगा जल्दी आ गया है, आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। और पथराव यहाँ पर कितनी स्थिति जो है वो बार बार ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई नजर आ रही है। हमारे रिपोर्टर वरुण जैन वहीं पर मौजूद है, उनके साथ उनके कैमरामैन भी, और वो प्रदर्शनकारियों के बीच में मौजूद थे, उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने देखते ही देखते जो बैरिकेड थे उसको तोड़े, प्रदर्शनकारी इंसाफ की मांग कर रहे थे, और ऐसे में पुलिस की तरफ से अब आंसू गैस के गोले दागे गए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ। वरुण जैन हमारे रिपोर्टर और साथ में उनके कैमरा पर्सन दोनों अब जिस दिशा में पुलिस बल मौजूद है उस तरफ जाते हुए यहाँ पर रह रहकर पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़प है उसकी स्थिति बनती है, उसकी नौबत आती है। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कोलकाता की तस्वीर आपके सामने है, पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की थी लेकिन वो बैरिकेडिंग अब आपके सामने है, सब तोड़ दिए गए हैं। बैरिकेड का नामो निशान अब सड़क पर नजर नहीं आ रहा है, देखिए किस तरीके से गिरे हुए नजर जरूर आ रहे हैं वो बैरिकेड, लेकिन अब उस दिशा में जहां पर प्रदर्शनकारियों की भारी हुजूम इस समय उसका जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है, उसी दिशा में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन यहीं पर मौजूद है। वरुण, आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, बैरिकेड तो सारे तोड़ दिए यहाँ पर एमजी रोड पर प्रदर्शनकारियों ने। आंसू गैस के जी वरुण, आप बात करने की स्थिति में हैं? मैं थोड़ी देर बाद आती हूं आपके पास। देखिए जब आंसू गैस के गोले चलते हैं तो जिस बात का मैं जिक्र पहले कर रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे में बोलने में कितनी कठिनाई रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद है उसको पेश आ रही होगी, क्योंकि एक तरीके से वो दोनों तरफ से घिरा हुआ सा अपने आप को महसूस करता है। एक तरफ पुलिस है जो आंसू गैस के गोले दाग रही है प्रदर्शनकारियों पर, दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारी भी रह रहकर कुछ जगहों पर हिंसा के रूप में हो जाते हैं कि इतने बड़े हुजूम इतने बड़े प्रदर्शन में कौन असामाजिक तत्व शामिल हो जाए और वो कब पुलिस की तरफ पथराव करना शुरू कर दे ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा आज ही के इस प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, उनके सिर से खून भी बहता हुआ हमने आपको दिखाया। हालांकि पुलिस की तरफ से इस समय प्रदर्शनकारी को खदेड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सुबह से ही पुलिस ने कोलकाता को किले में तब्दील कर दिया था, कोलकाता किले में तब्दील, लेकिन बावजूद इसके कोलकाता पुलिस सड़कों को नहीं कर पा रही सील, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में नजर आते हैं, कुछ देर के लिए पीछे जरूर हटते हैं लेकिन उसके बाद नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर पुलिस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। मतलब पुलिस उसी दिशा में है जिस दिशा में वो उनको जाने से रोक रही है, नवन्ना की तरफ, और प्रदर्शनकारी फिर से रुक करते हैं नवन्ना मार्च के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, और इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये झड़प वाली तस्वीरें जो देखने के लिए मिलती हैं। अभी देखिए इन तस्वीरों में कैसे पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। ग्राउंड पर पुलिस बल की तैनाती, कोलकाता पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर यहाँ पर बाकायदा कमांडोज जो है उनको भी तैनात किया गया है, लेकिन लोगों का हुजूम इतना ज्यादा है, प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा है और कोलकाता की अलग अलग सड़कों से प्रदर्शनकारियों का ये जो रेला निकल कर आ रहा है, ऐसे में पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती बना हुआ है हालात को नियंत्रण में करना। डेढ़ घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, बल्कि यूँ कहा जाए कि करीब दो घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ धीमा पड़ता हुआ, कुछ मध्यम पड़ता हुआ, कुछ हल्का पड़ता हुआ नजर आ रहा हो, बल्कि एक नया जत्था, एक नया रेला प्रदर्शनकारियों का सामने आता है नई ऊर्जा के साथ और पुलिस के लिए एक नई चुनौती बनता हुआ नजर आता है। कैसे पुलिस की तरफ से इस समय प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया जा रहा है तस्वीरें आपके सामने, हाथ में बाकायदा डंडे लेकर पुलिस फोर्स डंडे के जोर पर प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ खदेड़ती हुई, आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों पर दागे जा रहे हैं, पानी की बौछार प्रदर्शनकारियों पर की जा रही है, बैरिकेड जो पुलिस की तरफ से लगाई गई कई हिस्सों में उसे प्रदर्शनकारी तोड़ चुके हैं और वो आगे बढ़ते हैं, और तब पुलिस की तरफ से फिर ये लाठी चार्ज वाला एक्शन देखने के लिए मिलता है।
देखिए रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात नजर आ रही है इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए, और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सीधे सीधे ममता सरकार के खिलाफ है। अभी भी आप सुन रहे हैं सड़क पर जो प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, जब मीडिया का माइक उनके सामने पहुंचता है तो वो सीधे कटघरे में ममता सरकार को खड़ा करते हैं। वो पुलिस पर, कोलकाता पुलिस पर ही आरोप लगाते हैं कि ये ममता की पुलिस की तरह काम करते हैं, और सीधे निशाने पर ममता सरकार को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जाती है। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक बार फिर से जरा लेकर चलते हैं। वरुण जैन यहीं पर मौजूद हैं जहाँ कुछ देर पहले जबरदस्त एक्शन हो रहा था, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ा था, पुलिस की तरफ से गोले दागे गए थे। अभी क्या स्थिति है वरुण, अगर आप बात करने की हालत में है तो प्लीज जानकारी दीजिए। अच्छा, फिलहाल वरुण हमारे साथ नहीं है, वरुण से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें जहां पर वरुण मौजूद थे वहां पर अभी कुछ देर पहले बहुत जोरदार एक्शन हुआ है, जहां पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। प्रदर्शनकारी जो है वो पुलिस की तरफ दौड़ कर आ रहे थे, पुलिस से पलट कर आंसू गैस के गोले दागे हैं। और ऐसे में अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, वो सांतरागाछी वाला इलाका, वो मेन हाईवे जहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं सड़क पर, वहीं पर बैठ कर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मौजूद है हमारी सहयोगी मनुज्ञा लोहीवाल, और मनुज्ञा बता रही है किस तरीके से इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की है जो सड़क पर बैठ गई हैं, और इस न्याय युद्ध में ममता के विरुद्ध ममता बनर्जी के ही इस्तीफे की मांग की जा रही है। मनोज्ञा देखिए, बिल्कुल ये तो मांग लगातार हो रही है, लेकिन इस समय में आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखा रही हूँ कि किस तरह से धरपकड़ कर रही है पुलिस। अब छोटी छोटी टुकड़ियों में पुलिस यहाँ पर, हावड़ा पुलिस के कमिश्नर प्रवीण कुमार त्रिपाठी धरपकड़ कर रहे हैं। जितने लोग आपको मिल रहे हैं उन्हें यहाँ पर पकड़ कर अरेस्ट किया जा रहा है, या फिर डिटेन किया जा रहा है, या फिर हटाया जा रहा है। जो भी सामान्य व्यक्ति दिख जा रहा है उसे हटाया जा रहा है। ये सांतरागाछी का सबवे है, एंट्री टू प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 से 6, यही से पूरे का कि आवाजाही की जगह रहती है, लेकिन इस समय सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस समय मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूं जरा कि किस तरह से प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे हुए हैं, तो एक एक जगह पर, कोने कोने पर किस तरह से, एक और जहाँ रेलवे स्टेशन को रोककर यहाँ पर सारे प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सड़क पर जहाँ तक नजर जा रही है, देख लीजिए आप, नेशनल हाईवे यहाँ पर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, और सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। ये छोटी छोटी टुकड़ियों में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। बस स्टॉप है, बस की जगह इस समय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनता खड़ी हुई है, जनता जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं पर यहाँ पर जस्टिस की मांग करते हुए लोग, और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर पुलिस अपनी स्ट्रैटेजी बदलती हुई अपनी टुकड़ियों में लगातार मूव करती हुई, कभी इधर अरेस्ट कर रही है तो कभी उधर अरेस्ट कर रही है। अब ये प्रोटेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये ही वो इलाका है हुगली का, हावड़ा जिले का, जो यहाँ से सीधा नवादा की तरफ जाता है। सड़क पर यहाँ पर खड़े हुए लोग, एक और ये प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उसके बाद यहाँ पर खड़े हुए लोग जो इस समय यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कल्पना कीजिए, रेलवे स्टेशन का सबवे है, आमतौर पर यहाँ पर मैं लाती हूँ मनोज, आपके पास हम देख पा रहे हैं प्रदर्शनकारी हाथ में तिरंगा लेकर किस तरीके से सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो रेलवे स्टेशन और सबवे की तरफ भी हम देख रहे हैं, वहाँ पर भी प्रदर्शनकारियों का हुजूम डटा हुआ है। और जल्दी से जरा लेकर चलते हैं वरुण जैन जहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर अभी क्या स्थिति है, कुछ हालात काबू में आए वरुण? अभी कुछ देर पहले हमने देखा था किस तरीके से स्थिति जो है वो बेहद उग्र होती हुई नजर आ रही थी, आप और आपके कैमरामैन भी जो आंसू गैस के गोले दागे गए उसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे थे हमें, ठीक है आप दोनों? जी देखिए बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखा दूं, स्थिति नियंत्रण में नहीं है रुमाना, कैमरामैन आपको लगातार दिखाते रहेंगे। पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन आंसू गैस के गोले अभी भी पुलिस की तरफ से बीच बीच में दागे जा रहे हैं। इधर देखिए सीधे हाथ की तरफ भीड़ अभी भी यहाँ पर जमा है, यही कैमरा अगर उल्टे हाथ की तरफ घूमेगा तो आपको यहाँ पर चौराहे पर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे। ऐसे ही आप सामने की तरफ देखेंगे, कैमरा अब मैं सामने कर रहा हूँ, वहाँ भी आपको आगे प्रदर्शनकारी नजर आएंगे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, बीच में पथराव भी किया। देखिए यहाँ से खदेड़ा, कुछ इस तरीके की स्थिति होती है, पुलिस अचानक से लाठी बजाती है और लोग शोर मचाते हुए पीछे भागते हैं। अब यही अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ बहुत ज्यादा आंसू गैस के, देखिए फिर से आंसू गैस का गोला छोड़ा, देखिए यहाँ से लगाते हैं कि एक और आंसू गैस का गोला, लगातार यहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सामने MG रोड पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, बीच बीच में उग्र हो जाते हैं, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। आप देखिए यहाँ पर हवा इस कदर, आंसू गैस की जो मिर्ची है ये धुआं इस कदर फैल चुका है कि हमने
बोलने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है। अब आप देखिए सामने झंडे नजर आ रहे होंगे। कैमरामैन रवीश बेहद हिम्मत करके और भी आगे जा रहे हैं लगातार। बहुत ज्यादा धुआं है उस तरफ, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा सके। वो देखिए सामने कैमरे की नजर से, रुमाना आप देख पा रही हैं कैमरे की नजर से प्रदर्शनकारियों को, जिन पे पुलिस आंसू गैस की गोली छोड़ रही है। क्या रुमाना आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, लगातार तस्वीरें आ रही हैं वरुण जैन, हम तस्वीरों में देख रहे हैं। और खदेड़ती हुई इस प्रदर्शनकारी भीड़ को नजर आ रही है, जिनके हाथों में तिरंगे हैं उन पर बाकायदा लाठियां भाजती हुई पुलिस यहां पर नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है। ये अब एक बार फिर से तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। एक प्रदर्शनकारी वरुण जैन हाथ में तिरंगा लेकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ, वरुण और आप देखिए स्थिति एमजी रोड पर खराब है। आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी है, बीच बीच में हिंसा भी हो रही है। ये देखिए पत्थर आया सामने से। देखिए जैसा कि कहा जाता है कि बीच में कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं, यही वो असामाजिक तत्व है जो इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इक्के दुक्के पत्थर जरूर फेंके जा रहे हैं, लेकिन भीड़ ने बैरिकेड तोड़ी, पीछे होते चले गए, नारेबाजी लगी, शोर हो रहा है। और दूसरी तरफ एक बड़ी कैंप, आप थोड़ा पीछे हो जाए रवीश, या रवीश पीछे हो जाए। देखिए यहाँ से, ये देखिए पत्थर गलियों से, ये ईंटें भी फेंकी जा रही है। कुछ लोग कहीं ना कहीं बेहद उग्र होता हुआ पूरा का पूरा प्रदर्शन चला गया, तो उन लोगों को चेज किया गया। हम लोग तो पूरा पुलिस रिस्टैंड हुए में जो क्राउड आया उसको टैकल कर रहा है। वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, वो शाम में आपको लाल बाजार से सेंट्रली बता दिया जाएगा कितने लोग इंजर्ड हुए क्या हुआ। प्रदर्शन देखिए फिर से पत्थर आया, देखिए पुलिस आगे भागी है, पुलिस अब खदेड़ने के लिए आगे जा रही है। और एक और आंसू गैस का गोला, आगे बड़ी पुलिस, एक और आंसू गैस का गोला। रवीश थोड़ा रुके क्योंकि फिर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पत्थर लगा बेहद तेज। रवीश ठीक हो? ठीक है ना रवीश? देखिए बीच बीच में थोड़ा संभालना पड़ेगा, अभी कैमरामैन रवीश के पेट पर आकर पत्थर लगा है। अभी ये इस तरीके से वरुण बता रहे हैं ग्राम से कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से बाकायदा पत्थर भी पुलिस की तरफ उछाले जा रहे हैं। और वही बात जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि इस तरीके के छात्रों के प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं, जिनकी तरफ से पुलिस पर पथराव करने की भी कोशिश की जाती है, जिसके बाद पुलिस का एक्शन सख्त हो जाता है। फिलहाल देखिए दूसरी तरफ से पत्थर इधर जहां पुलिस खड़ी हुई है इस तरफ आकर गिरते हुए, और यहां सड़क पर आप देखेंगे कैसे कई पत्थर नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से उस प्रदर्शनकारी भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद आ रही है। वरुण यही आर पार इस समय यहाँ पर एमजी रोड पर देखने के लिए मिल रहा है, एक तरफ प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ पुलिस प्रदर्शनकारियों की तरफ से वो पत्थर चला जा रहा है। देखिए बिल्कुल रुमाना, आपने लगातार कुछ उपद्रवी पत्थर चला रहे हैं, और देखिए पुलिस उन्हें खदेड़ने के लिए आगे भाग रही है। आज ये देखिए ईंटें फेंकी जा रही है, ईंटें फेंक रहे हैं पुलिस कर्मियों के ऊपर, यानी कुछ उपद्रवी भी इन प्रदर्शनकारियों के बीच में घुस गए हैं, जैसा कि आपने कहा था। कुछ असामाजिक तत्व भी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। और सड़क पर दिखाइए किस तरीके से ये पत्थर और ईंटें फैले हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कहिए जरा अपने कैमरामैन से कि सड़क पर दिखाएं। अब लोग बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ कैमरामैन रवीश, यहाँ से लगातार आगे बढ़ते हुए बैरिकेड से शुरू कीजिए और दिखाते चलिए कि 100 मीटर के अगर मैं दायरे में दिखाऊँ, ये देखिए ईंट यहाँ पर ये देखिए कितनी मोटी मोटी ईंटें हैं रुमाना, कोई छोटा पत्थर नहीं है। इसी तरह का पत्थर रवीश के पेट पर लगा है, लेकिन 2 मिनट के लिए ऐसा है जो फिर लग गए काम पे। आप देखिए यहाँ पर ये आगे दिखाते रहो रवीश, ये देखिए यहाँ पर ये पत्थर आपको नजर आएंगे, ये वाला पत्थर नजर आएगा, देखिए मोटी मोटी ईंटें, ये देखिए ये कैसे फेंक रहे थे, उसके बाद पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ के, ये रही ईंटें, ये देखिए यहाँ पर देखिए बैरिकेड जिनको तो हमारे सामने ही तोड़ दिया था। और ये देखिए ये कोई नरपोती कोताव जाएगा दखल, कोताव रास्ता घाट, कोताव मामूने दे सुरक्षा नहीं, ये चप्पल पुलिस का सर्टिफिकेट है।
है नौबत। तो एमजी रोड की ये तस्वीरें आपके सामने हैं वरुण जैन, यहां से पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल एमजी रोड पर जब प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये ईंटें और पत्थर पुलिस की तरफ फेंके गए तो एक्शन में एक बार फिर से पुलिस आई है। देखिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं यहाँ एमजी रोड पर, देखिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, टूटे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी वरुण जैन वहीं पर मौजूद है। जी वरुण, हिरासत में लिया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को उठाकर, देखिए हिरासत में ले लिया है कुछ प्रदर्शनकारियों को उठाकर दोनों हाथों से। पुलिस अब इनको यहाँ से लेकर जा रही है क्योंकि कोशिश यही है कि अगर जो उपद्रवी और असामाजिक तत्व है जो पथराव कर रहे हैं उनको यहाँ भीड़ में से नहीं हटाया गया तो बहुत मुश्किल होगा इन्हें रोकना। आप मैं इसे भी आप पत्थर खाने एक मेरे बाजार किसको पत्थर हम ये खाने चलो। आप देखिए कुछ बंगाली भाषा में बोला है लेकिन आगे देखिए स्थिति, कैमरामैन दिखाते रहे कि पुलिस अब इन्हें खदेड़ के ले जाते हुए अब आगे आगे पुलिस उठाकर लेकर गई है अभी, लेकिन प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में है दूसरी तरफ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा संभल कर यहाँ पर जरूर चलना होगा क्योंकि पत्थर बीच बीच से आ जाते हैं और वो पत्थर बहुत कंक्रीट के हैं। देखिए आगे ध्यान से बढ़ रहे हैं पत्थर आता है, सामने भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी है तो स्थिति नियंत्रण में नहीं है। इधर दिखा पाए अगर हल्का सा, ज्यादा आगे ना जाना रवि, यहाँ से देखिए ये रहे यहाँ पर आप देख रहे हैं रुमाना, बिल्कुल ये प्रदर्शनकारी यही से गलियों से देख पा रहे हैं। ये तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती शुरू करते हैं हुई है ना वरुण जैन, वही सामने क्योंकि ये चौराहा है और हर तरफ गली के अंदर हम देख रहे हैं कैसे लोगों का हुजूम है और ये प्रदर्शनकारी हैं जिनकी तरफ से नबन्ना मार्च का आह्वान किया गया है और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है। और पुलिस एक तरफ से अगर प्रदर्शनकारियों के हुजूम को रोकने की कोशिश करती है तो फिर दूसरी तरफ से हुजूम जो है वो आगे बढ़ता है। ये देखिए किस तरीके से ये चौराहे वाला इलाका है और इस चौराहे पर हर गली में आपको प्रदर्शनकारियों का हुजूम नजर आ जाएगा। ये एमजी रोड, ये मेन रोड, फिलहाल इस मेन रोड पर वो सामने से जहां से पुलिस की तरफ पत्थर चले, जहां बैरिकेड टूटे हुए नजर आ रहे हैं आपको, वहां पर पुलिस फिलहाल प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ खदेड़ते हुए। और वहीं इस तरफ इन गलियों में आप देखिए किस तरीके से यहां पर लोगों का एक बड़ा हुजूम मौजूद है। जी वरुण दिखाइए जरा इन तस्वीरों को, मारपीट हो रही है, क्यों हो रही है ये समझ नहीं आ रहा। आप देखिए यहां पर प्रदर्शनकारियों में आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से मारपिटाई आपस में शुरू हो गई है, किस तरीके का ये उपद्रव है और सोचिए इस पे जो आम जनता पिस रही होगी वो किस कदर ट्रॉमा में होगी, पुलिस की मदद उसको कैसे पहुंचे। भीड़ के किस सामाजिक तत्व ने इन्हें घेरा है कुछ नहीं मालूम और भीड़ ने घेर लिया है, किसी एक शख्स को पीट रहे हैं, एक महिला भी है वो बचने की कोशिश कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ पास जाने की, आइए रवीश। इसीलिए तो कहते हैं ना वरुण कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और भीड़ जो है वो बहुत निर्दयी होती है और यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि हालात पूरी तरीके से हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं।